हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। हैप्पी नवरात्रि। तो आज हम नवरात्रि के लिए एक नहीं दो दो क्राफ्ट बनाएंगे। और हाँ, मैंने पहले भी आसुभी के साथ नवरात्रि के लिए क्राफ्ट शेयर किया था। अगर वो वाला वीडियो आसुभी ने नहीं देखा है तो प्लीज प्लीज जाकर उसको देख लीजिए। और हाँ, आज हम एक छोटी सी पर्स बनाएंगे और एक वॉलडेकर बनाएंगे। और हाँ, आज हम बहुत ही डिफरेंट आइटम का इस्तेमाल करेंगे, पर वो कौन सी आइटम है आप सभी को आगे जाकर पता चल जाएगा। तो प्लीज वीडियो को कंटिन्यू देखिए लास्ट तक। और हाँ, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच जाए। तो चलो आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि के लिए हम एक छोटी सी पर्स बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये वाला फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप कोई भी जूट फैब्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने हिसाब से कोई भी फैब्रिक का इस्तेमाल कर लीजिए। अभी हम क्या करेंगे ना, उस फैब्रिक को रेक्टेंगल शेप पे कट करेंगे और उसके बीच हम ये वाला स्पॉन्ज रखेंगे। मेरे पास और कोई स्पॉन्ज नहीं था तो मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया है। तो दोनों फैब्रिक को हम क्या करेंगे ना, ऐसे ही रख देंगे और बीच में स्पॉन्ज रखेंगे। उसके बाद हम चारों तरफ इस पिन को लगा देंगे ताकि हम जब इसको स्टिच करेंगे तो फैब्रिक इधर उधर ना हो जाए। तो ऐसे ही मैंने दो बना लिया है। अभी हम क्या करेंगे ना, इस चेन का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास और कोई भी चेन नहीं था तो मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया है। मेरे पास था बहुत दिनों से पड़ा हुआ। तो चेन का जो ऊपर का जो हिस्सा है ये वाला, इसको हम अंदर की तरफ रख के स्टिच करेंगे फैब्रिक के साथ ही। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर रख दिया है और यहाँ पर हम कुछ इस तरह से स्टिच करेंगे। तो देखिए, मैंने इसको स्टिच कर लिया है मशीन की मदद से। अभी हम क्या करेंगे ना, इसको लग कर लेते हैं। तो अभी दूसरा वाला जो फैब्रिक है हमने बनाया था, उसको भी कुछ इस तरह से चारों तरफ से अभी हम इसको स्टिच करेंगे ताकि सभी आपस में मिल जाए। तो देखिए, मैंने चारों तरफ से इसको स्टिच कर लिया है चेन के साथ ही। तो अभी हम इसको फोल्ड कर लेंगे ताकि जो ऊपर का जो हिस्सा है, फ्रंट का जो हिस्सा है, वो बाहर की तरफ आ जाए। तो देखिए, हमने बहुत सिंपल तरीके से एक सुंदर सा छोटा सा पर्स बनाकर रेडी कर लिया है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा कलाकारी करेंगे। तो मेरे पास है एक्रेलिक कलर, हम इस एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर मल्टीपल कलर का हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेड कलर का इस्तेमाल करेंगे और पेंसिल स्केल की मदद से मैंने यहाँ पर लाइन भी ड्रॉ कर लिया है ताकि हमें थोड़ा ईजी हो जाए। तो मेरे पास जीरो साइज की ब्रश था, मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया है। पर देखिए, हमने यहाँ पर जो रेड कलर का इस्तेमाल किया था वो थोड़ा सा फैल रहा है, क्योंकि ये वाला जो कलर है बहुत ही थीन है, इसीलिए थोड़ा सा ऐसे हो गया है। पर अगर आप सभी के पास बहुत ही थिक वाला कलर है, आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि फैब्रिक के ऊपर वो वाला कलर ज़्यादा फैलेगा नहीं तो लाइन हमारी इतनी मोटी नहीं होगी। तो देखिए, हम यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करेंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन या फिर कोई भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने पहले से ही बताया है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, आप सभी प्लीज़ मेरे वीडियो को एंजॉय करिए। और जब तक मैं इसको बना रही हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप सभी के पास पहुँच जाए। Thank you.
फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करके बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन यहाँ पर बना लिया है। तो अभी इसके ऊपर थोड़ा सा आयरन लगा देते हैं ताकि ये वाला जो कलर हमने इस्तेमाल किया है वो परमानेंट रह जाए। और हाँ, अभी हम इसमें थोड़ा सा कलाकारी करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर छोटे छोटे से डिफरेंट साइज़ के और डिफरेंट शेप के मिरर्स का इस्तेमाल किया है। तो जब तक हम मिरर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नवरात्रि वाला फील कैसे आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर छोटे छोटे से मिरर्स का इस्तेमाल किया है। और हाँ, इसको चिपकाने के लिए मैंने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है। मुझे पता है आप यहाँ पर फेविकल डिब्बा देख रहे हो, क्योंकि मैंने जो फैब्रिक वाला जो ग्लू है उसको फेविकल के डिब्बे के अंदर डाल दिया है। तो देखिए, कुछ इस तरह से मैंने छोटे छोटे मिरर्स को यहाँ पर लगा दिया है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पर इसको और भी थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। इसको और भी थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए। तो अभी हम क्या करेंगे ना, सुई धागे का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहते हो तो यहाँ पर ग्लू के मदद से भी इसको लगा सकते हो। तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिए ताकि आप सभी को पता चल जाए मैंने यहाँ पर किस तरह से इसको स्टिच किया है। तो देखिए, बहुत ही इजी वे से हमने यहाँ पर इसको स्टिच कर लिया है। ऐसे ही चारों तरफ करेंगे। तो देखिए, मैंने सोचा था चारों तरफ करूँगी, पर मैंने सिर्फ यहाँ पर ही कुछ कवरी सेल्स को स्टिच किया है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा लेस का हम इस्तेमाल करेंगे। मुझे ये वाला लेस थोड़ा सा पसंद आ गया, तो मैंने सोचा है इसको यहाँ पर हम लगाएंगे। आप लेस को स्टिच कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर मेरे पास ग्लू था तो मैंने उसको लगा दिया है। जो कवरी सेल है वो अगर हम ग्लू से लगाएंगे, हो सकता है वो बाद में निकल जाए, और ये वाला जो लेस है वो परमानेंट रह जाएगा इजीली। तो देखिए, मैंने चारों तरफ इसको लगा दिया है। सॉरी, चारों तरफ नहीं, तीनों तरफ हमने इसको ग्लू के मदद से चिपका दिया है। अभी हम ऊल का इस्तेमाल करेंगे। आप कोई भी कलर की ऊल का इस्तेमाल कर सकते हो, पर मैंने सोचा यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक कलर ऊल का इस्तेमाल करती हूँ, और भी अच्छा लगेगा। तो ऊल का इस्तेमाल करके हम इसको बनाएंगे। देखिए, हमने इसको बना तो लिया है, अभी इसको हम स्टिच करेंगे। तो कुछ इस तरह से चेन को खोल देंगे और अंदर की तरफ हम स्टिच करेंगे यहाँ पर। तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था यहाँ पर अंदर की तरफ घुसाना। देखिए, बहुत ही टाइट हो गया था क्योंकि हमने यहाँ पर ऊल का इस्तेमाल किया था, तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ। तो देखिए, अभी अंदर की तरफ यहाँ पर हम लॉक कर देंगे ताकि बाद में निकल ना जाए। तो देखिए, मैंने अंदर की तरफ अच्छे से लॉक कर लिया है, और जो बाहर का हिस्सा है वो भी नहीं निकल रहा है। अभी हम जो एक्स्ट्रा पीस है उसको कट कर लेंगे। तो देखिए, हमने जो लेस का इस्तेमाल किया था, मैंने जो ग्लू लगाया था, वो थोड़ा सा निकल गया है। तो इसको अच्छे से फिर से ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए, अच्छे से ड्राई हो गया है और हमारी सुंदर सी पर्स रेडी हो गया है नवरात्रि के लिए। तो चलो देखते हैं इसका फाइनल लुक।
तो चलो फ्रेंड्स, अभी हम और एक क्राफ्ट बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने न्यूज़पेपर स्ट्रिप ले लिया है और इसको कुछ इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे बनाएंगे। और हाँ, आप सभी को पता होगा कि मैं ज़्यादातर वेस्ट आइटम का इस्तेमाल करके क्राफ्ट बनाती हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे पुराने न्यूज़पेपर पड़े हुए थे, तो मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया है अभी। तो अभी हम क्या करेंगे ना, न्यूज़पेपर जो स्ट्रिप हमने बनाया है इसको कुछ इस तरह से हम चिपकाएंगे, और जैसे चटाई बुनते हैं कुछ उस तरह से हम करेंगे। और हाँ, आप यहाँ पर कोई भी पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ इस तरह से यहाँ पर हम न्यूज़पेपर स्ट्रिप को चिपकाएंगे और ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम इसको कट करेंगे सर्कल में। तो देखिए, मैंने कट कर लिया है, पर यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से कट किया है। अभी इसके पीछे हम पेस्ट बोर्ड लगाएंगे। आप यहाँ पर कार्डबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास कार्डबोर्ड तो है, पर मैंने सोचा इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर न्यूज़पेपर को चिपका दिया है। और हाँ, चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पर फेविकॉल का इस्तेमाल किया है। अगर आप सभी के पास कोई और वाइट ग्लू है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो न्यूज़पेपर को चिपकाने के बाद अभी हम इसको कलर करेंगे। तो कलर करने के लिए मैं पहले व्हाइट कलर का इस्तेमाल करती हूँ, आप सभी को पहले से पता होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल किया है कलर करने के लिए। अगर आप सभी के पास जेसो है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो व्हाइट कलर के बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ब्राउन कलर का इस्तेमाल किया है, और पीछे वाला जो हिस्सा है उसको मैंने कलर नहीं किया है। अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा कलाकारी करेंगे, इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो उसके लिए मैंने बहुत से मिरर्स का इस्तेमाल किया है, डिफरेंट साइज के और डिफरेंट शेप के। तो आप यहाँ पर कोई भी डिजाइन अपने हिसाब से बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं यहाँ पर मिरर्स लगा रही हूँ, आप सभी प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको मिरर से डेकोरेट कर लिया है। अभी यहाँ पर और भी कलाकारी करना बाकी है। तो उसके लिए हम फिर से एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल करेंगे, व्हाइट कलर का। और मेरे पास 0 साइज की एक ब्रश था, तो उसका मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया है डिजाइन्स बनाने के लिए। अभी हम कुछ यहाँ पर डिजाइन्स बनाएंगे, तो इसका लुक और भी अच्छा आएगा। अगर आप चाहते हो तो ये वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हो, पर इसको आप बनाओगे तो और भी अच्छा लगेगा इसको बनाने के बाद। तो मैंने सोच कर नहीं रखा था कि कैसे बनाऊंगी, पर जैसे ही आ रहा था डिजाइन तो वैसे ही बनाते जा रही हूँ। तो चलो, अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, आप सभी प्लीज वीडियो को एंजॉय करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अच्छे से डेकोरेट कर लिया है, बहुत सारा कलाकारी हमने कर लिया है। अभी हम पेपर रोल का इस्तेमाल करेंगे। आप सभी के पास अगर कोई भी वुडन स्टिक है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, पर मेरे पास नहीं था तो मैंने पेपर रोल कर लिया है सिंपल वे में। अभी हम यहाँ पर फेविकॉल के मदद से एक दूसरे को जॉइंट करेंगे। आप यहाँ पर प्लीज फेविक्विक या फिर हॉट ग्लू का इस्तेमाल मत करिए, नहीं तो बाद में निकल ही जाएगा। तो अभी फिर से मैं यहाँ पर थोड़ा सा पेपर का इस्तेमाल करूँगी। हमने पेपर रोल को उसमें चिपका तो दिया था, फिर भी स्टेबल नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर हार्ड पेपर शीट का इस्तेमाल करूँगी और कुछ इस तरह से चिपका दूँगी तो अच्छे से स्टेबल हो जाएगा। तो देखिए, चिपका दिया है इसको, अच्छे से मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था।
तो देखिए ड्राई भी हो गया है, अभी हम इसको कलर करेंगे। तो कलर करने के लिए हम ब्राउन कलर का इस्तेमाल करेंगे, डार्क ब्राउन कलर का। और हाँ, इसके ऊपर व्हाइट कलर करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर डार्क ब्राउन कलर का इस्तेमाल किया है। तो देखिए कलर हो जाने के बाद इसका कलर मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने फिर से ये वाला कलर का इस्तेमाल कर लिया है। तो देखिए ऐसे ही मैंने दो बना लिया है। अभी हम दोनों को आपस में चिपकाएंगे। तो चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पर फेविकॉल का इस्तेमाल किया था। तो देखिए कुछ इस तरह से इसको अच्छे से चिपका देंगे। अभी हम क्या करेंगे ना, अच्छे से इसको धागे की मदद से बांध देंगे, ताकि आगे जाकर खुल ना जाए। तो देखिए मैंने इसको बांध तो दिया है, फिर भी इसके ऊपर हम ऊल का इस्तेमाल करेंगे और भी अच्छा लगने के लिए। तो अभी हैंग करने के लिए भी हम ऊल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर दोनों को बांध देंगे कुछ इस तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ पर बांध दिया है और हमारा वॉल डेकोर भी बनकर रेडी हो गया है बात करते करते। तो चलो देखते हैं फाइनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ और एक वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। स्टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।